गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग कल जो चैप्टर पढ़ा था उस चैप्टर के मतलब चैप्टर का नेम क्या था? सेंट्रल बैंक। जब सेंट्रल बैंक कल हम लोगों ने पढ़ा था तो उसके थ्री फंक्शंस को ही डिस्कस किया था। पहला फंक्शन उसका हम लोगों ने डिस्कस किया था करेंसी इशू के अथॉरिटी। सेकेंड फंक्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था कौन सा फंक्शन था वो? सेकेंड फंक्शन बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट। थर्ड फंक्शन क्या था? बैंकर ऑफ द बैंक एंड सुपरवाइजर। तो ये तीन फंक्शन डिस्कस किए थे। अब दो फंक्शन उस लेक्चर में हम लोगों के बाकी रह गए थे। उसमें से पहला फंक्शन क्या था? कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट क्रिएशन। और सेकंड क्या था? कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आज इन टॉपिक्स को हम लोग 10 से 12 मिनट में इसको कवर करेंगे और इसको देखेंगे कि किस तरह से ये हमें हेल्प करता है और किस तरह से ये कस्टोडियन का काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट को देखते हैं। तो सबको पता है कि रिजर्व बैंक जो होता है ये हमारी कंट्री के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को गवर्न करता है। और इसका सबसे मेजर रोल क्या होता है कि हमारी कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करना। मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करेगी और किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाए, तो उस मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है और इसमें ये तमाम तरह के स्टेप्स अडॉप्ट करता है। तो जो भी स्टेप्स मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करता है उसी से ये क्या करता है? क्रेडिट क्रिएशन एंड मनी सप्लाई दोनों को ये कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ये क्या करता है, कि कैसे इसको कंट्रोल करता है। तो सबसे पहला ये रेपो रेट, एक इसको करने का तरीका इसके पास क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेपो रेट। रेपो रेट को अगर डिफाइन हम लोग करें तो रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री लेंड मनी टू द कमर्शियल बैंक फॉर मीट देयर शॉर्ट टर्म डिमांड। तो ये क्या होती है कि ये वो रेट होता है जिस रेट में सेंट्रल बैंक इसको लोन प्रोवाइड करती है कमर्शियल बैंक को फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो जब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोन प्रोवाइड करेगी तो इसके दो इंपैक्ट है। अगर रेपो रेट को गवर्नमेंट इंक्रीज करती है, आरबीआई इंक्रीज करती है, गवर्नमेंट से मतलब यहां क्या है? आरबीआई। तो आरबीआई जैसे ही रेपो रेट इंक्रीज करेगी इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर चला जाएगा? पब्लिक के ऊपर। क्योंकि जैसे ही इंक्रीज किया रेपो रेट तो अब जो कमर्शियल बैंक है उसको ज्यादा रेट में मिलेगा लोन फ्रॉम सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक से अब ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो जब ज्यादा इंटरेस्ट रेट में मिलेगा तो ये बारोइंग भी जो लेंड मनी करेगी जो दो देगी पब्लिक को वो भी ज्यादा कॉस्ट में या ज्यादा इंटरेस्ट रेट में लोन उसको प्रोवाइड करेगी। इससे क्या होगा? लोन की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। इसी का उल्टा होता अगर रेपो रेट घटा देती गवर्नमेंट, तो जैसे ही आरबीआई रेपो रेट घटाएगा तो कमर्शियल बैंक को भी अब लोन कम प्राइस में मिलेगा, कम इंटरेस्ट रेट में मिलेगा। जब कम इंटरेस्ट रेट में मिलेगा तो आरबीआई वो कमर्शियल बैंक भी क्या करेगी? कम इंटरेस्ट रेट में पब्लिक को लोन प्रोवाइड कर पाएगी। दूसरा क्या होता है कि इसको हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। इसको दूसरी लैंग्वेज में इसको डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। तो बैंक रेट की डिफिनेशन सेम डिफिनेशन वही है जो किसकी थी? रेपो रेट की। कि बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री लेंड मनी टू द कमर्शियल बैंक टू मीट देयर लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। जो लॉन्ग, बस उसमें क्या था? शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट था, यहां पर जो था लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है। तो इंपैक्ट दोनों में वही है। जो रेपो रेट से इंपैक्ट हो रहा था कि रेपो रेट इंक्रीज हो रहा था लोन की डिमांड पब्लिक में कम हो जा रही थी, वो डिक्रीज हो रहा था लोन की डिमांड बढ़ जा रही। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी होगा, लेकिन बस यहां पर बैंक क्या कर रहा? लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले रहा है सेंट्रल बैंक से, वहां पर शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले रहा था। इसी में एक टर्म आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट जब कहेंगे तो एग्जैक्ट अपोजिट है ये, बिल्कुल किसका अपोजिट है? रेपो रेट का। तो इसमें क्या होता है? व्हेन कमर्शियल बैंक हैव सरप्लस फंड, जब कमर्शियल बैंक के पास फंड सरप्लस होते हैं दे आर डिपॉजिट इन द सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक को उसके बदले क्या देना पड़ता है? उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो जब सेंट्रल बैंक, दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं, जब कमर्शियल बैंक से मनी लेकर सेंट्रल बैंक अपने पास रखता है और उसके बदले इंटरेस्ट पे करता है, तो उस इंटरेस्ट को ही हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो ये तो टू फंक्शंस हुए कंट्रोल करने के। तीसरा एक और फंक्शन होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या बोलते हैं इसको? ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन को अगर डिफाइन करें तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक टू
पब्लिक आर कमर्शियल बैंक किसको सेल करता है? सेंट्रल बैंक किसको सेल करे? पब्लिक को करे या कमर्शियल बैंक को करे? तो आप सबको पता है कि गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज होते हैं जिनको हम ट्रेजरी कहते हैं या डिस्काउंटिंग बिल के रूप में इसको जाना जाता है, ये सब के सब जितनी चीजें होती हैं इनको गवर्नमेंट क्या करती है? सेल करती है। तो सिक्योरिटी जब दो तरह से, वो सेल भी कर सकती है और वो बाय भी कर सकती है। जब वो सेल करती है तो उसका मेन मोटो क्या होता है? जो अवेलेबल रिजर्व्स होते हैं या अवेलेबल सरप्लस मनी होती है कमर्शियल बैंक के पास या पब्लिक के पास, उसको घटाना होता है, उसको अपने पास खींच लेना होता है, जिससे पब्लिक के पास या कमर्शियल बैंक के पास मनी की अवेलेबिलिटी कम होगी। जब कमर्शियल बैंक के पास अवेलेबल मनी कम होगी तो क्रेडिट क्रिएशन भी कम हो जाएगा और इससे कंट्री में अवेलेबल मनी घट जाएगी। उसी का जस्ट उल्टा होता है। उसका जस्ट उल्टा क्या होता है कि जब क्या करे, ये अभी क्या कर रही थी? सेल कर रही थी। अब ये बाय कर ले, खरीद ले। तो जब आरबीआई खरीदेगी तो जो रिजर्व था कमर्शियल बैंक के पास वो बढ़ जाएगा, क्योंकि मनी किसको दे देगी? कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल के पास अवेलेबिलिटी या मनी ज्यादा हो जाएगी तो क्रेडिट क्रिएशन भी बढ़ जाएगा। जब क्रेडिट क्रिएशन बन जाएगा तो घंटी में अवेलेबल मनी यानी मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो वो जब घटाना और बढ़ाना होता है यानी इंक्रीज और डिक्रीज करना होता है, तो इस स्टेप्स को सेलिंग एंड परचेजिंग के मेथड को ये फॉलो करती है। फिर इसके बाद इसका जो थर्ड फोर्थ वन है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, जिसको LRR कहते हैं। क्या बोलते हैं? LRR। LRR जो होता है ये कमर्शियल बैंक का एक कॉन्सेप्ट है जिससे वो रिजर्व को मेंटेन करती है। किसके पास? कमर्शियल बैंक का। तो कमर्शियल बैंक के पास जो रिजर्व को मेंटेन करने का काम आरबीआई करती है, तो उसके लिए वो दो तरह के लीगल रिजर्व रेशियो हमेशा टू पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको हम लोगों ने एक को LRR जो है ये टू पार्ट में, एक को बोलते हैं CRR और दूसरे को क्या बोलते हैं? SLR। आपको दिखाई दे रहे होंगे लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट को CRR और SLR, इस टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। CRR क्या होता है? तो CRR को अगर हम डिफाइन करेंगे तो इट रेफर टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज आर डिपॉजिट, कुछ भी बोल सकते हैं आप डिपॉजिट टू बी केप्ड बाय कमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक। ये वो परसेंटेज होता है जो नेट टाइम डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट का वो हिस्सा होता है जो कमर्शियल बैंक किसके पास रखती है? सेंट्रल बैंक के पास। कमर्शियल बैंक अपने एक इनकम मनी का एक पार्ट सेंट्रल बैंक के पास रख देती है और सेंट्रल बैंक उसके अगेंस्ट में ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है पब्लिक को कि उसकी मनी हमेशा सिक्योर है। तो इस तरह से वो उसको होल्ड करती है, उसी से वो लोन भी देती है, उसी से अदर जो ट्रांजेक्शन होते हैं फंड ट्रांसफर होते हैं एक बैंक से दूसरे उसको भी कंट्रोल करते हैं। एक सेकेंड इसका होता है जिसको SLR बोलते हैं, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इसको आप देखेंगे ये क्या होता है, तो ये भी सेम वैसे ही है, बस इसमें डिफरेंस क्या है उसकी डिफिनेशन हम लोगों ने जैसे पढ़ी थी, इट रेफर टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिपॉजिट एंड टाइम लाइबिलिटीज विच कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद देमसेल्फ। वहां पर था विद सेंट्रल बैंक, यहां पर क्या हो गया? विद देमसेल्फ। वो CRR जो था वो सेंट्रल बैंक के साथ रखती थी, ये किसके साथ रख रहे हैं? अपने साथ रख रहे हैं। तो इसको अपने साथ रखने के कारण इसको क्या होता है कि इससे वो जो डे टू डे डिमांड है पब्लिक की, कंज्यूमर की, उसको फिलफिल करती है कि जब लोग मनी लेने आते हैं तो जब लिक्विड मनी होगी उसके पास तभी उनको दे पाएगी। तो उनके जो अचानक लेने आ गए, सेविंग अकाउंट के होल्डर्स आ गए या कोई आ गए, तो उनको पैसे देने का काम ये इससे आसानी से कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक और इसका कॉन्सेप्ट होता है जिसमें थर्ड कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं। अब वो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि उसको मार्जिन रिक्वायरमेंट कहा जाता है। क्या बोलते हैं? अगला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट जो होता है, मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बारोवर अगेंस्ट द लोन। जो सिक्योरिटी बारोवर ऑफर करता है वो और जो लोन अमाउंट बैंक ऑफर करती है उसको देने के लिए, उनके बीच का जो मार्जिन होता है
जैसे मैं अगर लोन लेने बैंक गया तो मैंने क्या किया, 5 लाख का लोन बैंक से मांगा, तो बैंक आपको सिक्योरिटी इतनी बताएगी जो 5 लाख से बहुत ज्यादा होगी, वो 10 लाख हो सकती है। तो मान लीजिए 10 लाख उसने बताया और आपको लोन कितना प्रोवाइड कर रहा, सिक्योरिटी आपसे 10 लाख की ले रहा, 10 लाख की वैल्यू के बराबर, आपको मनी कितना दे रहा, 5 लाख। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस ही मार्जिन रिक्वायरमेंट कहलाता है। तो बैंक हमेशा ही करती, जितना रिक्वायरमेंट बढ़ता जाता है, मतलब 10 लाख का अगर सिक्योरिटी ले और 3 लाख का लोन दे तो डिमांड कम हो जाएगी लोन, अगर 10 लाख का सिक्योरिटी ले और 9 लाख का लोन दे आपको तो डिमांड आप लोन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो जितनी डिमांड आप लोन ज्यादा होगी उतने ही यानी सर्कुलेशन आप मनी ज्यादा होगी उतने ही क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगा, उतनी मनी सप्लाई ज्यादा होगी। तो इससे मनी सप्लाई और क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करती है। तो इसके मार्जिन रिक्वायरमेंट से क्या होता है, एड इंक्रीज द मार्जिन रिड्यूसेस द बोरोइंग कैपेसिटी। जितना मार्जिन रिक्वायरमेंट का गैप बढ़ता जाएगा उतनी बोरोइंग कैपेसिटी लगातार क्या होती चली जाती है, डिक्रीज हो जाती है। एज फॉल इन द मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज द बोरोइंग मोर, पीपल्स की बोरोइंग का जो डिमांड है वो लगातार बढ़ जाएगी अगर उसको मार्जिन रिक्वायरमेंट को डिक्रीज किया जाए। आरबीआई जो होती है वो प्रिस्क्राइब करती है मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ बोरोवर, वो अलग अलग बोरोवर के लिए अलग अलग मार्जिन करती है, जिनको इंकरेज करना चाहती है उसमें रिक्वायरमेंट कम कर देती है, जिसको डिस्करेज करना चाहती है उसको क्या कर देती है, बढ़ा देती है। तो ये एक काम होता है। फिर इसके बाद एक होता है अगला उसका है कि कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो आपको सबको बताओगे कि काम जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक एक्ट एज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन स्टॉक्स ऑफ द गोल्ड एंड द रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जितना भी गोल्ड है और फॉरेन करेंसी है उन सब का स्टॉक इसके पास रहता है, आरबीआई के पास रहता है, आरबीआई के ही बिहाफ पे ले सकती है कोई कमर्शियल बैंक, किसी भी कमर्शियल बैंक को राइट नहीं कि वो अपने पास उसके स्टॉक को रख सके। तो ये केवल पूरा पूरा किसके पास रखने का है, और ये उसी भाई क्योंकि जिससे वो रेगुलेट कर सके फॉरेन करेंसी की इंडियन करेंसी को, तो उसके उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं अपने पास रखने का फॉरेन एक्सचेंज को। तो एक सबसे बड़ा है कि इट हेल्प द बैंक इन स्टेबलाइजिंग द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। अगर जब आरबीआई के पास ही रहेगा तो आसानी से कंट्रोल कर पाएगी और जो उसका इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जो भी होता है उसको आसानी से वो कंट्रोल कर पाती है, तो उसकी वैल्यू को मेंटेन कर पाती है। दूसरा इज हेल्प इन द परचेजिंग कोऑर्डिनेट पॉलिसी टूवर्ड द बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन ऑफ दी कंट्री। कंट्री में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन हो जाती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है, रिसीव्ड एंड पेमेंट, जो पैसा आया जो पैसा गया उसके बीच का जो बैलेंस है, तो जब वो घटता है तो फॉरेन करेंसी को बेच करके उसको मेंटेन करती है, या बढ़ता है तो फॉरेन करेंसी को रिजर्व करती है। तो ये उसमें हेल्प मिलती है और इस तरह से इसको मेंटेन किया जा सकता है। तो ये चैप्टर था जिसको हम लोग क्या बोलते थे, कौन सा बोल रहे थे इसको, फॉरेन एक्सचेंज को डिस्क्राइब किया। फिर इसके पहले हमने किसको डिस्क्राइब किया, मनी क्या है, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, और इसके अलावा 3 पिछले लेक्चर में। तो ये पूरा चैप्टर यहीं से खत्म हो गया। दीज आर द 5 फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। ओके, थैंक यू।